वेलकम अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित फॉर ऑल द कॉमर्स लवर्स एंड द स्पेसिफिकली टीचर्स हु वांट टू सेटिस्फाई देयर स्टूडेंट्स। हम आपकी हेल्प के लिए हैं, आपके ही एक साथी, और स्पेशल वेलकम है आपके ही स्टूडेंट्स का। डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स के एक टॉपिक के साथ जो बेसिक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसके बेसिक कंटेंट के साथ आपके साथ मैंने पहले भी वीडियो शेयर किए हैं, एक नया वीडियो आपके साथ जानकारी हित चैनल पर। लेट्स मूव अहेड विद मी ऑन माय चैनल जानकारी हित। द टुडेज टॉपिक ऑन माय चैनल हियर ऑन जानकारी हित इज द लायबिलिटी। लायबिलिटी पंजाबी और हिंदी में हम इसको देनदारियाँ कहते हैं। नाम से लगता है कि देना, यस, नाम से जो लगता है अब तो वैसा ही है। आज मैं ऐसा नहीं कहने वाला हूँ कि नाम कुछ और कहता है और काम कुछ और, नो, ऐसा ही है। लायबिलिटीज क्या हैं? डेट्स और ऑब्लिगेशन दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू पे। ध्यान से, debts or obligation that a business enterprise has to pay is known as liability. debts मतलब कर्ज, जो उधार लिया है या जो देना है। obligation कहते हैं ना, एक एहसान कर मुझ पर, वही एहसान है जो कभी पैसे देकर किया होगा। debts और obligation बहुत हर से जो business ने, business enterprise ने आने वाले टाइम में देना है, हैज़ टू पे, इज नॉन एज लाइबिलिटीज़, उसको हम देनदारियाँ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बाय बिजनेस मैन, और वी कैन से लोन टेकन बाय द बिजनेस मैन फ्रॉम बैंक और एनी इंस्टीट्यूशन और अ पर्सनल बेसिस। बिजनेस ने अगर लोन लिया है, बैंक से लिया, पर्सन से लिया, किसी बिजनेस हाउस से लिया, और गुड्स क्रेडिट उधार परचेज की, तो वो पैसे तो देने पड़ेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ लाइबिलिटीज़, यही तो वो देनदारियाँ हैं। सो लाइबिलिटीज़ आर द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स अगेंस्ट द बिजनेस एंटरप्राइज। वो सारे क्रेडिटर्स के क्लेम हैं बिजनेस के अगेंस्ट, अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़ दैट आर टू बी सेटिस्फाइड। जो पुराने टाइम में कोई चीज़ की है, एक्टिविटी की है, उस पैसे को लेने के रिलेटेड, चाहे वो उधार वस्तुएं खरीदी, पैसा उधार लिया एज ए लोन, उनको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। इट शुड वी कीप इन माइंड इन अ बिजनेस व्हेन वी सेज दैट लाइबिलिटी एक्चुअली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैपिटल। अगर कैपिटल को समझना है, वो भी है तो लाइबिलिटीज़। अगर हम इक्वेशन वाइज कभी लाइबिलिटीज़ की कैलकुलेशन करनी हो, तो बिजनेस की सारी एसेट्स में से हमें जो कैपिटल है उसे डिडक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, तो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आ जाएगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई नॉट कैपिटल ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। फॉर दिस कॉन्सेप्ट वी फर्स्टली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या हैं? In accounting, a businessman and the business enterprise are treated as a separate, because the concept of separate entity is there. जो business है ना और businessman है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना होगा। ये हम छोटी छोटी दुकानों की बात नहीं करते जो हमारे शहरों में नुक्कड़ में खड़ी हैं, जो कहीं भी घर, जो गांव के किसी कोने पर एक छोटी सी दुकान है। हमें तो ऐसे लगता है एज ए नॉर्मल पर्सन और सिटीजन्स और विलेजर्स के वो दोनों एक ही तो हैं भाई, उसी की तो दुकान है। नो, बिजनेस हैज़ इट्स ओन एंटिटी। बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान है। बिजनेसमैन उसमें इन्वेस्ट करने वाला है, जो पैसा वो इन्वेस्ट करता है दैट इज़ कैपिटल, जो मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया, जो पैसा उसने लगाया। बट वो वापस तो लेगा, चाहे वो छोटी सी दुकान है या पार्टनरशिप फॉर्म है, वो पैसा वापस जाएगा। और जब प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट है वो भी उसके ओनर को जाता है। स्पेशली क्या होता है, हम छोटी छोटी जब दुकानों की बात करें, जो कैपिटलिस्ट है और जो ओनर है वो सेम ही है, जिसने पैसा लगाया, और हमें इसका डिफरेंस नहीं एहसास होता, पता नहीं लगता। और जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उसकी कैपिटल, जो उसने पूंजी लगाई थी, वो बढ़ जाती है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है,
जो प्रॉफिट इन बिजनेस है वो भी कैपिटल का ही पार्ट बन जाता है, और वो पैसा भी बिजनेस एंटरप्राइज को देना होता है वापस बिजनेस के ओनर को या कैपिटलिस्ट को, जब उसने बिजनेस को वाइंड अप करना है, जब उसने बिजनेस को एग्जिट करना है, छोड़कर चले जाना है। तो सच लाइबिलिटीज जो आई कैन से दैट द बिजनेस एंटरप्राइज इज ओ टू टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के ओनर के प्रति हैं, मालिक के प्रति हैं, जो उसने कैपिटल लगाई, जो उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। सच लाइबिलिटीज आर नॉन एज इंटरनल लाइबिलिटीज। फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, आई थिंक इट इज क्लियर, बाहरी देनदारियां। द अमाउंट और बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द आउटसाइडर, जब बाहरी लोगों को जो पैसा देना है बिजनेसमैन ने, सच लाइबिलिटीज आर नॉन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, सच एज बैंक लोन, क्रेडिटर्स। बैंक से लोन लिया, बैंक बाहर का बंदा है भाई, बिजनेस का नहीं है। क्रेडिटर्स कौन है जिनको पैसा देना है? उनको कभी बिजनेस ने परचेज किया था, उनसे क्रेडिट परचेज किया था, वो पैसा वापस करना है, तो वो सारे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, ये सारा पैसा किसी फ्यूचर के किसी खास टाइम पर उनकी पेमेंट करनी है, और पास्ट में कभी ऐसा ऑब्लिगेशन किया होता है जिसके कारण वो उधार बना। इन सब लाइबिलिटीज़ को हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कहते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ क्या हैं फिर? टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, दे आर बेसिकली, वी क्लासिफाइड द लाइबिलिटीज़ इन थ्री डिफरेंट पार्ट्स। Let's discuss these topics one by one about classification of liabilities here on Jankari Hit. Yes, the classification of liabilities can be understood by discussing three different types of liability or classification of a liability. We can say, what are these types or classification? First of all, I am discussing with the fixed liabilities or long-term liabilities. All other liabilities which are not current are classified under this categories. जो current नहीं है, जो वर्तमान नहीं है, जो long-term में चलने वाली liabilities हैं, लंबी time बाद उसकी obligation है, वो वापस करनी है, they don't become due for payment in 1 year or less than 1 year, within a year उसकी payment करनी वापस ज़रूरी नहीं होती। कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं होती। सच लाइबिलिटीज़ आर नॉन एज फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, दे डोंट रिक्वायर करंट एसेट्स फॉर देयर पेमेंट। लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये क्या है डिवेंचर बॉन्ड्स? ये हम आने वाली सीरीज में, जैसे जैसे हम अकाउंटेंसी में आगे बढ़ेंगे, अब मैं इनिशियल स्टेज पे इस टॉपिक को आपके साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मतलब कि भाई ये याद रखना, वो सारी लाइबिलिटी जो लंबे टाइम में, 1 साल से ज़्यादा के टाइम में जाकर वापस करने वाली हैं, वो सब की सब फिक्स लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हैं। इट शुड बी कीप इन माइंड, दीज लाइबिलिटीज डोंट इंक्लूड करंट लाइबिलिटीज, इसमें करंट लाइबिलिटीज नहीं आती। अगर कोई करंट लाइबिलिटी हमें कन्फ्यूज करती है कि वो फिक्स में आएगी, नो, ऐसा नहीं है, वो करंट में उसको आप पार्ट अपना है। सेकेंड वन, द क्लासिफिकेशन अबाउट क्लासिफिकेशन इज द करंट लाइबिलिटीज क्या है। करंट लाइबिलिटीज क्या है? द टर्म यूज, वी कैन से दीज आर द सच ऑब्लिगेशन आर पेड विद इन 1 year, विदिन 1 year, जिनको हमने पे करना है 1 साल में, एंड आर पेड आउट ऑफ करंट एसेट्स, और उनको करंट एसेट्स में ही पे करना है, और बाय क्रिएटिंग करंट लाइबिलिटीज, और करंट पीरियड में पैसे का अरेंज करना है, करंट लाइबिलिटीज में से उसको पे आउट कर देना है। ध्यान से, जो लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स में से पे आउट होंगी वो फिक्स लाइबिलिटीज हैं, और जो करंट एसेट्स में से पेड आउट होंगी या हमें पैसे को अरेंज करना पड़ेगा उन पेमेंट्स को करने के लिए, दीज लाइबिलिटीज आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। सो फॉर एग्जांपल, वी कैन से दैट ट्रेड क्रेडिटर्स, बिजनेस के जो क्रेडिटर हैं, उनको पेमेंट चलती रहती है, वो जब डेटर से पैसे आ जाते हैं, उनसे जो कैश है, जो बैंक में बैलेंस है, उसमें से पैसे को पे आउट करते रहते हैं। वो लाइबिलिटी जो सबकी सब हैं, जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, ये सबकी सब लगातार कंटिन्यू प्रोसेस में इनकी पेमेंट चलती रहती है। सच लाइबिलिटीज आर करंट लाइबिलिटीज, बट ये ध्यान रखना होगा, जो लंबे टाइम में जाकर पे करनी है वो करंट लाइबिलिटीज नहीं है। दीज लाइबिलिटीज इंक्लूडेड फिक्स लाइबिलिटीज। अनदर वन टाइप आई एम डिस्कसिंग हियर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी हेयर ऑन जानकारी हित इज द कॉन्टिनजेंट लाइबिलिटीज। कॉन्टिन, CONTINGENT, कॉन्टिनजेंट लाइबिलिटीज, ये ध्यान से समझना।
ये थोड़ा मुश्किल करती हैं इनिशियल लेवल पे. इट रेफर्स टू द अमाउंट विच मे और मे नॉट बिकम पेएबल इन फ्यूचर. बड़ा अजीब हो गया. मे और मे नॉट, दोज लायबिलिटी विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन इवेंट इन फ्यूचर आर कॉल्ड कॉन्टिजेंटल लायबिलिटी. तभी तो इसका नाम अकस्मात, अचानक. ये वो लाइबिलिटीज हैं जो फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट पे डिपेंड करती हैं. अगर वो घटनाक्रम ऐसा हुआ, हमारे फेवर में नहीं हुआ बिजनेस के, तो वो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी. वर्तमान में ऐसा नहीं है, पर हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ कोर्ट केस अगेंस्ट अ बिजनेस. व्यापारी के विरुद्ध, व्यापार के विरुद्ध एक कोर्ट केस है. हो सकता है फ्यूचर में वो केस, वो व्यापारी हार जाए. पैसे जो दहन देने की कोई संभावना थी, देने पड़ जाए वो क्लेम को खत्म करने के लिए, जिससे वो केस हारा. सच लाइबिलिटीज वी कैन से आर नॉन एज कंटिजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि ऐसी लाइबिलिटी की तो पहले कहीं कोई जानकारी नहीं थी कि ये भी देने पड़ेंगे. ऐसे ही गारंटी अंडरटेकन फॉर अ लोन, ये ध्यान से समझना भाई. टेंथ से अब प्लस वन में आए हो, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब हम बैंक से लोन लेते हैं ना, तो बैंक एक गारंटर की मांग करता है कि गारंटर उस पर साइन करे कि अगर ये लोन नहीं पे कर सकेगा तो मैं करूंगा. वो गारंटी दे देता है. अब भाई जिसने लोन लिया था वो डिफॉल्टर हो गया, उसने पेमेंट नहीं की, अब फंस गया गारंटर, और गारंटर के विरुद्ध वो पैसे देने वाले बन गए. वो पैसे अचानक देने पड़ गए. ऐसी लाइबिलिटीज अनसर्टन ही तो हैं भाई. पहले कहां तैयार थे, मित्रता के होते हमने गारंटी दे दी और बाद में वो लाइबिलिटी का रूप बन गई. ऐसी लाइबिलिटीज को हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द बेसिक कॉन्टेंट्स आई हैव डिस्कस्ड हियर टूडेज टॉपिक ऑफ लाइबिलिटीज. ये हमें ध्यान रखना होगा लाइबिलिटीज क्या हैं. रिकैप्चुलेट करो सारे डेट्स एंड ऑब्लिगेशन जो हमने बिजनेस एंटरप्राइज ने जो हमने देनी है बिजनेस एज ए बिजनेस, हमने दूसरों को पे करनी है इन नियर फ्यूचर और इवन मे बी इन लॉन्गर फ्यूचर आफ्टर सम टाइम और लॉन्ग टाइम. ये सब की सब लाइबिलिटीज हैं, टाइप्स ध्यान रखो. I think the topic is clear now. आपको समझ आ गया होगा. अगर नहीं समझ आया था नीचे कमेंट दीजिए. मैं नेक्स्ट, आप नीचे कमेंट तो दीजिए जो टॉपिक क्लियर नहीं है. मैं नेक्स्ट जब टॉपिक अकाउंटेंसी का डिस्कस करूंगा तो नेचुरली उसमें उस कॉन्सेप्ट को ज़रूर डिस्कस करने वाला हूँ. एक नया वीडियो अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग ऑन माई चैनल जानकारी हित, या इस चैनल पर अगर आपने जानकारी लेनी है, क्योंकि कोविड का पीरियड है भी, बच्चों को ऑनलाइन स्टडी भी करनी है, तो इस पीरियड में बच्चों की सुविधा के लिए यूट्यूब पर ये जो चैनल है जानकारी हित, आप इस पर कभी भी मेरे वीडियोस में से जो आपकी इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी या कॉमर्स के दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यू जस्ट गो थ्रू इट. आपको बहुत कुछ मिलने वाला है. और आप अपनी डिमांड रखिए, एक नया वीडियो आपके सामने आएगा आपकी इच्छा के अनुसार. सो इंतज़ार कीजिए एक नए वीडियो का. पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, खासकर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स वेल जज होते हैं. उनको समझ आया देन इट मीन्स कंटेंट इज क्लियर. लेट्स मूव अहेड फॉर अनदर वेट फॉर ऑन माय चैनल जानकारी हित. थैंक यू वेरी मच.